भाई चौधरी चरण सिंह बड़े अर्थशास्त्री थे, वे कह के गए कि भाई जब तक गांव की स्थिति मजबूत नहीं, आदरणीय इस मासिक पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संगठन के सभी सिरमौर जिम्मेदार पदाधिकारियों, खापो के चौधरियों, थंबेदारों, एलआईयू इंटेलिजेंस के लोग, पत्रकार बंधुओं, ये मासिक पंचायत हर माह सिसोली में होती थी लेकिन अब की बार यहां हुई। बहुत अच्छी पहल आपने की, एक शुरुआत की। देखो लड़ाई विचारों की है। विचार एक तो यह है कि हमको जो पढ़ा गया वो ये पढ़ा गया कि अगर देश की उन्नति होगी तो वो खेत खलियान से होकर गुजरे, कि गांव के अचल ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होगी जब देश मजबूत होगा। एक विचार यह है कि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े कॉरपोरेट जब वे मजबूत होंगे तो जब देश मजबूत होगा। भाई चौधरी चरण सिंह बड़े अर्थशास्त्री थे, वे कह के गए कि भाई जब तक गांव की स्थिति मजबूत नहीं, इनको आपको गरीब ही रखना है, और खास तौर पे युवा पीढ़ी, अगर आपने ये कट नहीं लिया, ये कट देंगे। अब फिर ये कह रहे कहने जी कट तो बहुत देने पड़ेंगे जी, वे टीकरी वाले भी मांग रहे, सारे कटों पे लड़ाई होगी, संघर्ष हर कट पे होगा निश्चित मजबूती के साथ में, क्योंकि ये आपकी पीढ़ी की लड़ाई है, आप भी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य अंश हो, आपके बच्चे भी छोटे छोटे कारोबार कर सकते हैं, आप भी आसानी से दिल्ली जा सकते हो, आप भी आसानी से देहरादून चले जाए, लेकिन ये फराटे भरने वाली सड़क इनको कारों को ज्यादा अहमियत दे रही। 20 तारीख की आपकी पंचायत है, अपनी ताकत उसमें भी दिखाओ, पूरे देश भर की निगाहें उस पंचायत पे भी लगेंगी। बहुत किसानों ने आपके संगठन में शहादत दी, मैं तो उनको ही नमन करते हुए मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान, उस ईश्वरीय शक्ति, उस परमात्मा नाम की शक्ति को, क्योंकि वही है, वो आपके संगठन कहो, किसान कहो, वही अस्तित्व उस परमात्मा से ही बच रहा है। तो मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान, दोनों मुट्ठी बंद करके लगा दो, यहां से यहां की भाजू की आवाज तो डायरेक्ट चेयरमैन की कानों में जाती है, यहां की अगर यहां की कमजोर आवाज आ गई तो कहीं कट नहीं मिलने वाला, यहां पर निगाहें सबकी है। किसान शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों की बलिदानी, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान इंदन, जय भाजू, और धन्यवाद प्रधान जी का, एक ऐसी शुरुआत की आपके ये क्रांतिकारी कार्य इतिहास में याद रखे जाएंगे प्रधान जी, तो बहुत बहुत आपने शुरुआत की, धन्यवाद, जय हिंद।